आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई बी इक्वल टू बी नॉट एक्स अपॉन ए के केब स्क्वायर लूप ऑफ साइड डी इज प्लेस्ड विद इट्स एज अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस द लूप इज मूव्ड विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इक्वल टू वी नॉट आई के द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। देखो लूप अपने को क्या गिवन है, कुछ ऐसी लूप गिवन है और यहाँ पे जो जेड डायरेक्शन के अंदर क्या ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का मॉड्यूलस क्या है, बी इक्वल्स टू बी नॉट एक्स अपॉन ए के के। तो देखो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई बात करें कि जस्ट ये एक कोई एक वायर है, जस्ट ये कोई अगर वायर होता है अगर, और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, ओके, तो और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें वो बी है, तो ईएमएफ जो जनरेट होता है वो क्या होता है, वो होता है बी इंटू वी इंटू डी। डी क्या है, इसकी लेंथ, और इस वायर की लेंथ अगर डी है तो बी वी इंटू डी हो जाता है, ये होता है क्या ईएमएफ, जो ईएमएफ जो जनरेट होता है ई इक्वल्स टू, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यानी जो एक जो देखो ये वायर इस डायरेक्शन में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो अपर डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो देखो अब यहाँ पे अपने को दो वायर देखने को मिलेंगे, एक तो ये वायर और एक ये वायर, तो ये वायर देखो ऐसे क्रॉस करते हुए चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन ये वायर है, ये जो दो वायर हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में हैं, ये दो वायर ये ऐसे चलेंगे तो ये क्रॉस नहीं करेंगे, यानी अपने पास यहाँ पे दो वायर्स के अंदर, टू वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा अपने पास, और वो किसमें होगा, एक तो इसमें और एक इसमें, ओके। तो ये देखो ये बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, डी। तो जस्ट अगर किसी टाइम टी के ऊपर इसकी पोजिशन, इस ये जो फर्स्ट वाला वायर है इसकी अगर पोजिशन एक्स है तो दूसरे वाले कितनी होगी, एक्स प्लस डी। और अगर मैं ईएमएफ के लिए अगर बात करूं सर्किट की, तो देखो सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट ऐसा बन जाएगा एक कि ये यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कुछ कि यहाँ पे ई वन और यहाँ पे कोई एक ई टू, दो अपने पास ईएमएफ बनेंगे कि एक तो ये जो लूप थी, लूप के अंदर जो ये इधर वाला चार्ज, इधर वाला जो पार्ट है इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा और दूसरे वाले इस पार्ट में भी एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो मैं अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ईवन की बात करूँ तो ईवन क्या हो जाएगा, ईवन हो जाएगा मेरे पास बी नोट एक्स अपॉन ए इंटू वी नोट इंटू डी। अब बोले ये कैसे हुआ, तो देखो अपने यहाँ क्या लिखा, बी इंटू वी इंटू डी, ओके। तो बी की वैल्यू क्या है, बी है क्या अपने पास क्वेश्चन के अंदर, बी नॉट एक्स अपॉन ए के के। तो देखो इवन के लिए बी चाहिए तो बी क्या है, बी नॉट एक्स अपॉन ए, बी नॉट एक्स अपॉन ए। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चार्ज, इसकी मैंने किसी टाइम टी पे पोजिशन मैंने एक्स मानी तो इसकी क्या पोजिशन होगी, एक्स प्लस डी, ओके। तो देखो फर्स्ट चार्ज के लिए क्या होगा, इवन की वैल्यू होगी बी नॉट इंटू एक्स अपॉन ए। अब एक्स तो ये पोजिशन, चार्ज की पोजिशन और चार्ज की पोजिशन एक्स ही है, तो यहाँ पे एक्स अपॉन ए इंटू वी, वी नॉट क्या है, वेलोसिटी हमें गिवन है, इंटू डी इसकी लेंथ, ओके। तो ये हो गया इवन। अगर मैं ई टू की अगर बात करूँ अब, तो ई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ई टू इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट अपॉन ए इंटू एक्स प्लस डी इंटू वी नॉट इंटू डी। अब ये कैसे हुआ, तो देखो ये तो समझ में आता है कि वी नॉट इंटू डी आया है, ये एक्स प्लस डी कहाँ से आया, एक्स प्लस डी यहाँ से आया कि देखो इस फॉर्मूले में क्या है, एक्स पूछा है, एक्स बोला है। अब एक्स क्या है, जो वायर है उसकी पोजिशन। अब फर्स्ट वाला वायर अगर किसी टाइम टी पे एक्स पे है तो सेकेंड वाला वायर क्या होगा, एक्स प्लस डी पे होगा, ओके। अब तो ई टू अपने पास आ गया वी नॉट इंटू एक्स प्लस डी अपॉन ए इंटू वी नॉट इंटू डी, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है कि रिजल्टेंट, अब देखो जो ये वाला है सर्किट के अंदर क्या बनेगी, ये दोनों एक साइड में, तो यानी इवन ई टू और इवन का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो ये एड नहीं होंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। अब सब्ट्रैक्ट होकर बात करें तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा था, देखो ई टू की अगर बात करें तो ये बी टू, देखो यहाँ पे बी नॉट, ये बी नॉट ए, वी नॉट डी, वी नॉट डी, यहाँ पे जो एक ही मल्टीप्लाई वाला फैक्टर ये ज़्यादा है, सेकंड वाला फैक्टर यानी ई टू अपने पास ज़्यादा है, तो अपन क्या है जो फाइनल जो रिजल्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी ईएमएफ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ईवन माइनस ई टू माइनस ईवन, और ये क्या हो जाएगा, क्या वी नॉट अपॉन ए इंटू वी नॉट इंटू डी इंटू एक्स प्लस डी माइनस वी नॉट एक्स अपॉन ए इंटू वी नॉट इंटू डी। ये अपने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास क्या,
देखो बी नोट वी नोट डी, ये तो सब कॉमन है, बी नोट वी नोट डी, तो ये आ जाएगा बी नोट वी नोट डी अपोन ए, ये भी कॉमन है। ये सारा कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, एक्स प्लस डी और माइनस ये इधर क्या, ये माइनस इधर x, तो ये x का आउट हो जाएगा, तो x x निकल जाएगा और ये आ जाएगा बी नोट वी नोट इंटू डी इंटू ये d अपॉन a, तो ये हो जाएगा बी नोट वी नोट डी स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन अगर की बात करें तो अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो b v नोट इंटू बी वी और d का जो फॉर्मूला था, यानी जो ई एम एफ है वो क्या होता है, बी इंटू वी इंटू डी, ये फॉर्मूला आपने को याद रखना होता है, यही अपना कंसेप्ट है। ओके, होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू फॉर कमिंग डाउटनेट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।